फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर ये पूछते हैं कि गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का सही यूज क्या है। तो फ्रेंड्स, कई बार आपको अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां आप कहते हैं कि कोई काम किसी से करवाओ, जैसे अक्सर आप कहते हैं कपड़ा धुलवाओ, या उसे पिटवाओ, या खाना पकवाओ। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी से ये नहीं कहते हैं कि कोई काम करो, बल्कि आप ये कहते हैं कि कोई काम करवाओ, तो आप गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए पंखा खराब है और आप किसी को बोले पंखा ठीक करवाओ, तो यहाँ आपने यह न बोला कि पंखा ठीक करो, बल्कि आपने बोला पंखा ठीक करवाओ। तो जब आपको कहना रहता है कि कोई काम किसी से करवाओ, तो आप गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि उसे पिटवाओ, तो आप कहेंगे गेट और आप यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट गेट हिम, और उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पीटना की इंग्लिश बीट होती है, लेकिन आप कहेंगे बीटन, गेट हिम बीटन, यानी उसे पिटवाओ। यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग उसे पीटो नहीं है, बल्कि उसे पिटवाओ है। अगर आपको कहना है कि उसे पीटो, तो आप कहेंगे बीट हिम, और यहाँ पर एक्शन आपको ही करना है। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे पीटो नहीं, उसे पिटवाओ, यानी ये काम तुम खुद ना करो बल्कि इसे करवा दो, तो आप कहेंगे गेट हिम बीटन। फ्रेंड्स, अगर कहना हो कि पंखा ठीक करवाओ, तो आप कहेंगे गेट द फैन, और ठीक करवाना यानी रिपेयर्ड, गेट द फैन रिपेयर्ड, यानी पंखे को ठीक करवा लो। इस सेंटेंस का आप ऐसा मीनिंग ना समझें कि पंखा ठीक करो, क्योंकि अगर आपको ये कहना हो कि पंखा ठीक करो, तो आप कहेंगे रिपेयर द फैन। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कि पंखा ठीक करवाओ, तो आप कहेंगे गेट द फैन रिपेयर्ड। फ्रेंड्स, अगर कहना हो कि उसे बुलाओ, तो आप कहेंगे कॉल हिम। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे बुलवाओ, तो आप कहेंगे गेट हिम कॉल्ड, यानी आप गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि शर्ट धुलवाओ, ये नहीं कहना है कि शर्ट धुलो। अगर आपको ये कहना है कि शर्ट धुलो, तो आप कहेंगे वॉश द शर्ट। लेकिन अगर आपको कहना हो कि शर्ट धुलवाओ, तो आप कहेंगे गेट द शर्ट वॉश्ड, यानी इस काम को करवाओ, खुद ना करो, किसी थर्ड पर्सन से करवाओ। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि दरवाजा खोलो, तो आप कहेंगे ओपन द डोर। लेकिन अगर आपको कहना हो कि दरवाजा खुलवाओ, तो आप कहेंगे गेट द डोर ओपन्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि उसे पढ़ाओ, तो आप कहेंगे टीच हिम। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे पढ़वाओ, तो आप कहेंगे गेट हिम टॉट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि उसकी मदद करो, आप कहेंगे हेल्प हिम। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसकी मदद करवाओ, तो आप कहेंगे गेट हिम हेल्प्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि कमरा साफ करो, आप कहेंगे क्लीन द रूम। लेकिन अगर आपको कहना हो कि कमरा साफ करवाओ, तो आप कहेंगे गेट द रूम क्लीन्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्ट्रक्चर गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।